वरकातहू। आज मैं लेकर आई थी आम। हम जोकर गए थे और अंगूर देखे। मैं इसके चावल बना के दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल, क्योंकि ये काले अंगूर आए हैं, बहुत जबरदस्त हैं। और मैंने प्याज काट ली है यहाँ पे और लहसुन। एक किलो गोश्त, अभी सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं बॉईल किया है। और आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। तो शलजम गोश्त कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। सिंपल गोश्त उबाल लो तो अभी मज़े का होता है। इसमें से नमक और मैंने मिर्च डाली हुई है, हल्की सी, वो भी ज़्यादा नहीं। अभी मसाला पीसेंगे फिर डालेंगे। ये तीन शलजम लिए हमने जो कि कट कर लिए हैं। अब काटेंगे छोटे छोटे पीस। अब निकाल लेंगे दो टमाटर। यहाँ पे तो ये इतने बड़े बड़े शलजम होते हैं तो तीन इनफ होंगे हमारे लिए। देखिए किस कदर बड़ा शलजम है, पूरा इतना बड़ा। तो चार शलजम थे तो मैंने कहा एक किलो गोश्त में से तीन शलजम डालेंगे। शलजम शलगम जो भी जबान में है आपकी, आप खाइए और मजे मजे कीजिए। इसमें डालने लगी हूँ मैं प्याज, लहसुन, थोड़ी सी अदरक, यह हमने डाल दी है, लूक का फूला, जिंजर, जुम्बिर। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा वाटर और फिर उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। अब इसमें लहसुन प्याज सब ग्राइंड करके डाल दिया है। और फिर ये है मसाले। इसमें है कुटी मिर्च, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, नमक, तेजपात, लौंग, ये सब इसके अंदर मसाले जा रहे हैं। और थोड़ा सा बॉईल करने के बाद ना गोश्त को अगर मसाले भूनो तो एक अफगानी लुक आता है खाने में, और अगर मसाले भून भान कर डाल दो तो देसी लुक आता है। अफगानी लुक लाना है तो फिर ये था। और ये थोड़ा सा कुटा कुटा सा धनिया है, कोलियंडर पाउडर, कुरकुमा, चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली, और ये काली मिर्च, पपरिका, पापड़, और ये कार्डमम ब्लैक कलर की है, ये जाएगी इसमें ताकि गोश्त के मिजाज को ठंडा कर दे। और इसमें नमक भी चला गया। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कुकर कर दिया है बंद। अब मिलते हैं 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट आप देखिए कैसा भुना भुना हो गया है। और हमने शलगम भी काट लिए हैं। अब हम शलगम को डालने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ना टमाटर डाल दिए हैं और जो कि गल गए हैं अंदर, दो टमाटर। अब हरी मिर्च और वो और डलेगा और ये भुनेगा। अगर भून के हम शलजम डालेंगे तो इस गोश्त के अंदर शलजम की खुशबू बहुत होगी। अगर हम भूनने से पहले ही से डाल देंगे तो इसमें सूख हो जाएगा और आराम से उसका पी लेगा मसाला। और फिर हम भुनाई करेंगे तो शलजम की एक अच्छी वाली खुशबू आएगी। तो अब हम इसे भूनेंगे और इस तरह से हमने ये मिर्चें काटी हैं, ये हम डाल देंगे दो, क्योंकि महीन काटो तो फिर मुँह में आती हैं, तो बड़ी बड़ी में पता रहेगा, क्योंकि हमारे मामे मौसी इतनी नीचे खाते नहीं हैं। अब हम इसे भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम हरा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह कैसा भुना भुना बन गया है। अब ये भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, ग्रीन पर्शिन, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। अब ये थोड़ा सा हाफ कुक हो चुके होंगे शलजम हमारे, हम इसमें डाल दिया पानी। देखें माशाल्लाह कैसे अच्छी तरी ऊपर आ गई है। बस हम इसको हाफ कुक हो चुके हैं ये शलजम, तो हाफ कुक और 5 मिनट और फिर इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। बस हमने डाल दिया 2 गिलास पानी ताकि शोरबा ज़रा अच्छा सा बने, ठीक है। देखें और तार सब ऊपर आई है। फिर जब हम डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। 5 मिनट हम कुकर बंद कर देंगे। 5 मिनट में यहाँ के शलजम थोड़े से देर से गलते हैं, तो इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो इसलिए हम इसमें से 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गलाएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे कुक कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया सब कुछ। अब हम इसे डिश आउट करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ प्लेट में निकालेंगे, हमारी रोटी भी रेडी हो गई है, अब हम खाना खाने वाले हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना तैयार हुआ है। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। दोबर टेक, दोबर हरा। ये रही हमारी डिश और ये रही हमारे पति की प्लेट और ये हमारी प्लेट।
रोटी भी पक गई है, अंगूर अंगूर खाओ, फल भी अल्लाह पाक ने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर टेक दोपहर अल्लाह पाक सबको दे, खूब दे, खुशियाँ दे, नेमते दे, रहमते दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब।